शेरपुर विकास खंड के बिदोखर पुरई ग्राम पंचायत के प्रधान ने प्रशासन द्वारा भेजे गए कारण बताओ नोटिस के विरोध में प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उसे बिना वजह परेशान किया जा रहा है। जो आरोप गौ आश्रय के संबंध में उस पर लगाए गए हैं वे निराधार हैं। उसके गांव का गौ आश्रय स्थल पूर्णतया बनकर तैयार है जिसमें पशु भी बंद है। जी हाँ, उनके पानी की व्यवस्था निजी नलकूप से करवाई जा रही है। सड़क पर अन्ना गोवंश टहलने के आरोप पर ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत बिदोखर पुरई में पक्की सड़क ना होने का भी दावा किया है। जी हाँ, ग्राम प्रधान ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देकर अपना पक्ष रखने की भी बात कही है। प्रधान जी, ये जो आपको कारण बताओ नोटिस मिला हुआ है जी, इसमें जो आरोप लगे हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है? सर, ये जो अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है, अब इसके लिए अधिकारी ही समझ सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पूर्णतया पूरी व्यवस्थाएं हैं। मेरा गौशाला पूर्णतया बन गया है, वहाँ चराई का निर्माण हो चुका है, साथ ही उसके लिए लड़ौरी आदि बनाई गई हैं। पानी की व्यवस्था के लिए अभी तक बोर नहीं हुआ, लेकिन एक निजी ट्यूबवेल से उसमें पानी लिया जा रहा है जिसमें पाइपलाइन बिछवा दी गई है और लगभग 157 जानवर वहाँ बंद हैं। दूसरी बात जो ये कही गई है कि जो है जानवर सड़क के किनारे घूमते हैं, तो श्रीमान जी मेरे जो है पंचायत के अंदर वहाँ सड़क नहीं है और सड़क ये जो है सीधे अंगूठा से छानी मार्ग जो जाता है वो बिदोखर मेदनी होकर के जाता है। बिदोखर पुरई उसके जो है पश्चिम दिशा में है, बिदोखर मेदनी आगे है, पूर्व दिशा में है, उसके जस्ट पीछे पुरई जो है पश्चिम दिशा में है। वहाँ कोई ऐसी सड़क नहीं है, ना ही मेरा कोई जानवर घूमता दिखाई दे रहा है, सड़क पर कोई जानवर नहीं है। जो नोटिस जारी हुआ है इसमें आप इसका जवाब देंगे? जी हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा और जो भी उसमें वो होगा मैं उन सभी तथ्यों की रिपोर्ट बनाकर भेज रहा हूँ। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।